पाखंडी पर अमृता फडणवीस और प्रियंका चतुर्वेदी में वार पलटवार। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने शिवसेना को क्यों कहा पाखंडी। शिवसेना और बीजेपी के बीच दोस्ती टूटने के बाद प्रदेश में अब समीकरण बदल गए हैं। बीजेपी सत्ता से बाहर है और शिवसेना के पास सीएम की कुर्सी है। साथ छूटा तो दोनों दल के नेता एक दूसरे पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। खास बात यह है कि इस सियासी लड़ाई में बीजेपी शिवसेना की महिला नेता भी कूद पड़ी है। एक ओर जहां पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस हैं, तो दूसरी ओर शिवसेना की तेज तर्रार नेता प्रियंका चतुर्वेदी। दरअसल अमृता फडणवीस ने बाल ठाकरे के औरंगाबाद में बनने वाले स्मारक के लिए 1000 पेड़ को काटे जाने की जरूरत की खबर को आधार बनाकर शिवसेना पर बड़ा हमला बोला है। अपने ट्वीट में अमृता फडणवीस ने लिखा, पाखंड एक बीमारी है, जल्दी ठीक हो जाओ शिवसेना। पेड़ की कटाई अपनी सुविधा से या सिर्फ तब जब आपको कमीशन मिले तब इजाजत देना माफी योग्य अपराध नहीं है। खास बात यह है कि अमृता ने अपने इस ट्वीट के साथ अखबार की एक कटिंग भी लगाई है। उधर शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी अमृता के आरोपों पर पलटवार करने में देरी नहीं की। प्रियंका ने भी अमृता के ट्वीट का जवाब अपने एक ट्वीट से दिया और लिखा, मैम आपको ये जानकर निराशा होगी लेकिन सच्चाई ये है कि मेमोरियल के लिए एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। मेयर ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। हाँ मैं बता दूं कि अनिवार्य रूप से झूठ बोलना बड़ी बीमारी है, जल्द ठीक होइए। वृक्ष काटने के लिए कमीशन महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं की ओर से प्रैक्टिस की जाने वाली नई पॉलिसी है। इतना ही नहीं, प्रियंका ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने औरंगाबाद के मेयर का एक वीडियो शेयर किया। साथ ही उन्होंने लिखा, इससे जल्द ठीक होने में मदद मिलेगी। प्रियंका चतुर्वेदी ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें मेयर नंद कुमार कह रहे हैं कि बाला साहब के स्मारक के लिए पेड़ नहीं काटने दिए जाएंगे। आपको बता दें कि अमृता अपने सोशल एक्टिविटी और ट्वीट्स को लेकर अक्सर चर्चा के केंद्र में रहती हैं। कुछ दिन पहले जब सीएम बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा था, उस दौरान भी अमृता की ओर से किया गया ट्वीट काफी वायरल हुआ था और अब एक बार फिर से वो अपने एक नए ट्वीट को लेकर सुर्खियों में है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।